दोस्तों WWE में आपने कई ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जिसमें रेसलर अपना कंट्रोल खो दिए हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाते होंगे कि WWE में दिखाया गया ये सब असली होता भी है या नहीं। आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि WWE एक स्क्रिप्टेड और इंटरटेनमेंट से भरा एक स्पोर्ट है, पर WWE में कुछ रेसलर हैं जो कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में WWE के 5 सबसे घातक और गुस्सैल रेसलर्स के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अपना नाम WWE के सबसे गुस्सैल रेसलर की लिस्ट में दर्ज करा लिया है। नंबर 5, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। दोस्तों, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 19 के दशक के एक ऐसे रेसलर हुआ करते थे जो किसी पर रहम ना करने के लिए जाने जाते थे। वे कंपनी के चेयरमैन विंस मैकमैन तक को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अपने समय के एक खतरनाक रेसलर माने जाते हैं। 19 के दशक में स्टोन कोल्ड का WWE कंपनी में आना काफी अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि वो अपने कारनामों से ऑडियंस को WWE के टिकट को खरीदने पर मजबूर कर देते थे। वहीं एटीट्यूड एरा को खास तौर से स्टोन कोल्ड के हरकतों के लिए ही जाना जाता है। नंबर 4, गोल्डबर्ग। दोस्तों, गोल्डबर्ग का नाम खतरनाक बॉडी वाले तथा खतरनाक गुस्सैल रेसलर के नामों में शुमार किया जाता है। जब उन्होंने WCW में कदम रखा तो उन्होंने अपने खतरनाक रेसलिंग से लोगों का दिल जीतने के साथ साथ कई रेसलर को चोटिल भी किया। जब गोल्डबर्ग ने WWE में कदम रखा तो उन्होंने वहां भी अपना लोहा मनवा लिया। इसी के साथ गोल्डबर्ग के गुस्से का शिकार कई बड़े बड़े दिग्गज रेसलर हो चुके हैं। नंबर 3, रोमन रेंस। दोस्तों, जब गुस्सैल रेसलर की बात आती है तो उसमें रोमन रेंस का नाम भी शुमार है। जब रोमन रेंस को रिंग में गुस्सा आता है तो वे आक्रामक होने के साथ खतरनाक भी हो जाते हैं। रोमन रेंस एक बार गुस्से में ब्रॉन स्ट्रोमैन को एम्बुलेंस में बंद करके उन्हें एम्बुलेंस के साथ दीवार में ले जाकर ठोक देते हैं, जिससे ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी चोटिल भी हो जाते हैं। नंबर 2, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। दोस्तों, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को WWE का सबसे खतरनाक रेसलर माना जाता है, जिसमें आक्रामकता कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने अपने डेब्यू मैच से ही अपने आक्रामकता का आगाज कर दिया था, और इसी के साथ ब्रॉक लेसनर रिंग में अपना कंट्रोल भी कई बार खो चुके हैं। नंबर 1, द अंडरटेकर। दोस्तों, आप इस खौफनाक चेहरे से तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिन्होंने WWE में कई दशकों से अपना खौफ कायम रखा। आज द अंडरटेकर ने अपने बढ़ते एज के कारण रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, पर उनका गिमिक और उनका खौफ रेसलर को खौफ में रखने को काफी था। उन्होंने 19 के दशक में रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था, और जो उसके बाद हुआ वो इतिहास है। द अंडरटेकर का गुस्सा उनके खौफ की ही तरह खतरनाक था, जिसका शिकार हर छोटे से बड़ा रेसलर हुआ। दोस्तों, आपका क्या कहना है द अंडरटेकर के बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल रेसलिंग बॉस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।